मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। मेहनत एक ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से मनुष्य आलस रूपी दुश्मन को भी मारकर अपनी सफलता का मार्ग आसान बना लेता है। इस संसार में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं प्राप्त होता। बैठे बैठे केवल सपने बुनने से या खाली पकला पकाने से कार्य सिद्धि नहीं होती, बल्कि उसके लिए हम अपने हाथ पैर भी हिलाने पड़ते हैं। कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर हमें उसका फल प्राप्त होता है। संसार में किसी भी क्षेत्र में जितने भी प्रसिद्ध लोग हुए हैं, सबने केवल अपने मेहनत के बल पर ही वह मुकाम हासिल किया है। मेहनती व्यक्ति यदि मिट्टी को भी हाथ लगाएगा ना, तो वह सोना ही बन जाएगी, और आलसी व्यक्ति सोने में ही अपना सारा समय नष्ट कर देगा। जो मेहनत से नहीं घबराते, दुनिया जहान उनकी मिट्टी में होते हैं। एक किसान रोज कड़ी धूप में कई महीने तक जी तोड़ मेहनत करता है, तभी उसके खेतों में फसल हरी भरी लहराती हुई दिखाई देती है। यदि वो मेहनत ना करे तो उसका खेत भी सूखा रह जाएगा। ये केवल एक उदाहरण नहीं है, ये जीवन का नियम है जो कि हर क्षेत्र में लागू होता है। प्रकृति का एक सिद्धांत है, मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। ये सिद्धांत संसार के सभी प्राणियों पर भी लागू होता है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और आपकी दुआ से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, बिंदास हूँ, और आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में नथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी। मॉर्निंग की शुरुआत होती है हमारी बंद लाइट के साथ। जब हम मॉर्निंग में आज उठे तो हमारे कमरे की और बाहर वाले हॉल की लाइट थी बिल्कुल बंद, हालांकि आधे पोर्शन में आ रही थी अंदर वाले में। तो हमारा बाकी काम तो लगभग नॉर्मल हो गया है, नहाने के और सब काम ख़त्म करने के बाद हमने जल्दी जल्दी जाके अपने किचन में काम शुरू किया, क्योंकि जैसा कि लाइट गई थी तो इसलिए बाहर से भैया को भी बुलाना था, लाइट सही करने वाले भैया को, तो वो भी आने वाले थे। मैंने कहा कि जब तक अपने किचन का काम को कम्प्लीट कर लिया जाए, ब्लॉग भी बनना था। हालाँकि जब ब्लॉग कम्प्लीट हुआ भी नहीं था तब तक वो भैया थे, वो आ गए थे, तो मेरा ब्लॉग जो था बीच में ही स्टॉप हो गया। दिक्कत तो हुई, लेकिन हालांकि मैंने कहा कि चलो अब जैसा भी होता ना, कि कहते हैं कि अगर हमें कहते परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन बस परेशानियों से आगे हमें कैसे बढ़ना है। तो बस आप देखिएगा हमारा व्लॉग कहां पर रुकता है, कहां पर स्टॉप होता है, दिक्कत होती है, और व्लॉग को बीच में ही बंद करके वीडियो को पॉज करके नाश्ता करी बने बिना पहले हमें अपनी सफाई का कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि बाहर इतना गंदा हो गया था, क्योंकि हर जगह तार फैले हुए थे, कागज़ फैले हुए थे, गंदगी काफ़ी हो रही थी। तो ये लगा कि हाँ चलो पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। तो मॉर्निंग में हमारी बन रही है आज मैक्रोनी। आज सबका मन हुआ मैक्रोनी खाने के। भैया और रचित तो हालांकि गए हुए थे, तो मैं, मम्मी और भाभी ही हैं तीनों लोग। भाभी यहाँ चाय बना रही हैं और मैं अपने मैक्रोनी की तैयारी कर रही हूँ। हालाँकि हम मैक्रोनी जो बनाते हैं सिंपल प्याज और शिमला मिर्च वगैरह डाल के ही बनाते हैं। आज मैंने उसमें बंद गोभी भी ऐड किया है, क्योंकि कहते हैं जितनी भी सब्जियां हो ना ऐड कर लो तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। हालांकि कहते हैं मैक्रोनी उतनी हेल्दी नहीं होती क्योंकि उसमें मैदा मिक्स होती है, लेकिन इस तरह से बना के थोड़ा तो हेल्दी बना सकता है, और वैसे भी कभी कभी स्वाद के साथ थोड़ा तो कम्प्रोमाइज़ चलता है ना। मैक्रोनी की तैयारी करने के बाद जब देखा तो घर में हमारे में हमारे यहाँ सोया सॉस नहीं था। मम्मी को जाना था दीपक जलाने के लिए पीछे मंदिर में, तो वो वहाँ से सोया सॉस खरीद लाई। इस तरह से हमारा काम भी बन गया। तो मैक्रोनी मैंने डालने के बाद इसके बाद वेनेगर जो था, वेनेगर को मैंने सोया सॉस की जब मालूम था कि वो ख़त्म हो गया है तो उसी के उसमें डाल दिया था। और देखिए इसके बाद हमारा वीडियो रुक चुका है, आगे की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई क्योंकि भैया आ गए थे और उन्होंने सारी लाइट बंद कर दी। ये उनके जाने के बाद का सीन है। देखिए यहाँ पर हर जगह कितने तार वगैरह गंदगी सब दिख रही है। अब ऐसे में तो पॉसिबल नहीं होता कि हम पहले खाए पिए आराम करें उसके बाद सफाई करें, तो मुझे लगा कि सबसे पहले सफाई करके अपना काम ख़त्म कर लेते उसके बाद आराम से नाश्ता किया जाएगा। तो मेरा सफाई अभियान आज दूसरी बार शुरू हुआ है मॉर्निंग में झाड़ू वगैरह सब लगाने के बाद। अब मैं सेकेंड टाइम ये सब कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ भी एक दो जगह और चेंज करने थे तार वगैरह, तो भैया ने वो भी काम लगे हाथ निपटा दिया, तो उधर भी गंदा था, तो मैंने सब चीज़ एक साथ लेके ही चली, जहाँ जहाँ कूड़ा देखा सबको एक साथ समेटा। तखत के ऊपर भी देखा तो काफ़ी कूड़ा था, गंदगी थी। मैंने इसको हट खिसकाने की कोशिश की लेकिन तखत जो था काफ़ी हैवी था, मुझसे उतना हुआ नहीं।
उन्होंने सब एडजस्ट करने के लिए ऊपर एक स्टूल भी रख लिया था, स्टूल का सहारा लिया था। हालांकि ये मेरा किचन वाला स्टूल है जिस पे मैं अपना काम करती हूँ। कमरे में भी एक प्लग चेंज किया गया था। अचानक से कब क्या हो जाए ना, कुछ पता नहीं चलता है। सोचते कुछ है, होता कुछ है और समझ में नहीं आता। इंसान तो वही है ना कि जो उसको बैलेंस करके साथ में चले। यहाँ पर सारा सफाई का हमारा कार्यक्रम हो गया है लगभग। देखिए कितना गंदगी निकली है, ये मेरे सेकंड टाइम की गंदगी है। हालांकि इसके बाद पोछी वाली दीदी आने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि वो ये काम करेंगी तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सिर्फ पोछा लगाने के लिए आती हैं। झाड़ू वगैरह ये सब हम लोग अपने आप ही मैनेज करते हैं। ये करने के बाद इसके बाद हमारा नाश्ता वगैरह हुआ, हाथ पैर सब धोने के बाद। अभी आ गया नेक्स्ट मंथ, मेरे भतीजे के बर्थडे हैं, तो उसमें खाने पीने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, खाने पीने बनाने की। जैसे कि मैंने बताया था कि हर बार यही होता है कि जो भी ऐसे बड़े फंक्शन होते हैं तो खाने पीने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेरी होती है। तो अगर हुआ तो मैं उसका व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको देखना हो तो वीडियो में साथ बने रहिएगा। आगे ऐसे ही मैक्रोनी को इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनी है, दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रही है। आइए फ्रेंड्स, आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।